हेलो बच्चों, चलिए आज एक हम लोग चीज देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का टॉप 50 क्वेश्चंस, उसके आगे का हम लोग देखते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग ये बताइए, क्या है मैं हार्ड क्वेश्चन देख के डर जाना है मैं, या हॉट क्वेश्चन देख के घुटने टेक देना है मैं? नहीं, बार बार प्रैक्टिस करना है मैं, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, और इसी प्रैक्टिस से आप लोगों को मैथ्स में 100 आएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, सॉल्व फॉर x, ठीक है ना? डरना नहीं है मैथ्स से, हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स में 100 आता है, ठीक? तो ये दिया है सॉल्व फॉर 2 पावर 2x और 3, ये डॉट का मतलब क्या है, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना? ये डॉट मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 3 पॉइंट नहीं है, 3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 पावर 2x माइनस 3 इनटू 2 पावर x फिर 2 पावर 2 और प्लस 32 इक्वल टू 0। अब देखो लेट 2 पावर 2x को क्या ले लो, 8 ए भी कुछ भी ले लो, 2 पावर 2x को क्या ले लेंगे, ए। तो एक चीज बताओ, 2 पावर x को यदि ए लेंगे तो 2 पावर 2x का वैल्यू क्या होगा, ए का भी पावर 2 हो जाएगा, होगा ना? बिल्कुल होगा। अब आगे देखो सॉल्व करेंगे, तो 2 पावर x का वैल्यू क्या लिया, ए, तो 2 पावर 2x का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, 2 पावर 2x का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू ए, और ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का पावर 2 मतलब 4, अब प्लस 32 इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस 12 ए प्लस 32 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज, चलो 8 4 जा 32, ठीक, तो 8 ए माइनस 4 ए प्लस 32 इक्वल टू 0, 0 फैक्टराइज नहीं आ रहा है, इधर देखो 2 16 2 8 2 4 2 2 1, तो टूट जाए 4, टूट जाए 8 और ये 4, 8 और 4 12 और 8 टूट जाए 32, इन दोनों में कॉमन लेंगे ये a माइनस 8 माइनस 4 कॉमन a माइनस 8 इक्वल टू 0, a माइनस 8 और a माइनस 4 इक्वल टू क्या आया, 0, a इक्वल टू 8 और a इक्वल टू 4, ये अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि आंसर a का नहीं, सॉल्व फॉर x का, ठीक? तो सॉल्व फॉर x का तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पावर क्या है, x इक्वल टू a, 2 पावर x इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, 8, तो 2 पावर x इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 2 2 कैंसिल, x का वैल्यू कितना आया, 3, ठीक है, x ये 2 2 कैंसिल, x का वैल्यू 3। अब देखेंगे आगे उसके फिर और क्या था, 2 पावर x इक्वल टू एक और एक वैल्यू क्या आया, 4, तो 2 पावर x इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हां, अब ये 2 2 कैंसिल और x का वैल्यू क्या आया, 2, एक x का वैल्यू आ रहा है 2 आंसर, और एक x का वैल्यू आ रहा है 3, ये आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिस तरह का एक क्वेश्चन भी नहीं बताया गया था इसलिए बता दिए हम, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अब क्या आ गया, सॉल्व फॉर x, आपको ये पूरा सॉल्व फॉर x करना है, ठीक, बस सिंपल क्वेश्चन, एलसीएम लेंगे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 4, ठीक, तो ये हो गया x माइनस 1 और x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक है, इस नंबर का इससे और इधर के नंबर का इससे n मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू 3 by 3। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 10 by 3, x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, ये हो गया 3 415 और 215, 415 235 55 10x प्लस 4 और 6
10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 टू 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 बाय 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6x स्क्वायर, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, फिर 1 कुछ नहीं है, 1 1 10 जा 10, 6 10 जा 60, 8 10 जा 80। ठीक, फिर अब क्या करेंगे, चलिए ऊपर का स्टेप थोड़ा हो गया है ना, ऊपर का स्टेप हम लोग उड़ा देते हैं, क्या करेंगे उड़ा देंगे। ठीक, उड़ गया, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 10 एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80, ये तीनों को उठा के इधर ले आके माइनस कर लो, तो ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 30x, ये उधर गया तो माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं क्या आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 4x स्क्वायर, इसको इससे माइनस करेंगे 30x और इसको इससे माइनस करेंगे 50 इक्वल टू 0। चलिए और दो तीन स्टेप उड़ा दिए, हो गया था आप लोग का, इसको सॉल्व करो, तो 50 × 54 कितना होता है 200। ठीक, और 30 लाना है, सिंपल है एकदम, इंटू कर दो 200 और माइनस ट्वेंट माइनस आ गया ना एकदम सिंपल। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 10x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन लेंगे 4x, तो x माइनस 5, माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 और 4x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, ये पूरा स्टेप गायब उड़ गया। अब आगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, 4x माइनस 10 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10 बाय 4 इक्वल टू 5 बाय 2। x का वैल्यू कितना आया 5 और 5 बाय 2, ये x का तो वैल्यू आ गया, आ गया ना आंसर, खत्म, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नोट करिए इसको आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18, इफ माइनस 4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले ये इसका रूट दिया है, इसका मतलब ये x का क्या है वैल्यू है, बढ़ा दो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये x के जगह सीधा 4 बढ़ा दो, प्लस पी इंटू 4 माइनस पी इक्वल 4 इक्वल टू 0, 16 प्लस 4 पी माइनस 4 इक्वल टू 0, 16 माइनस 4 12 प्लस 4 पी इक्वल टू 0, तो 12 इज इक्वल टू माइनस 4 पी, ये खत्म, माइनस आ गया, पी का वैल्यू माइनस 3। अब क्या करेंगे बताओ, अब बताओ क्या करेंगे, ये पी का जो वैल्यू आया वो इसको यहां बैठा दो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर पी का वैल्यू आया माइनस 3, क्या आया p का वैल्यू माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस 3। अब इसमें q का वैल्यू निकालना है, पूछा है इक्वल रूट, तो इक्वल रूट के लिए क्या होता है, इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 0 और d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्या 0, सॉल्व करो, चलो ये a का वैल्यू क्या है 1, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 9 माइनस 4 क्यू इक्वल टू 0, 9 इज इक्वल टू 4 क्यू, तो 9 बाय 4 इक्वल टू क्यू, खत्म, क्यू का वैल्यू आ गया 4 को 9 बाय 4 और पी का वैल्यू आ गया माइनस 3, पहले ये वैल्यू यहां बैठा देंगे।